चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री तथा राज्य के वित्त वन नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की कार्य कुशलता के चलते एक नई जिम्मेदारी के तहत उन्हें अब गढ़चिरौली की जिम्मेदारी सरकार की ओर से सौंपी गई है और अब गढ़चिरौली के पालक मंत्री भी सुधीर मुनगंटीवार रहेंगे। राज्य के वित्त वन नियोजन मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की पहचान एक विकास करने वाले नेता के रूप में हो चली है और जिले के पालक मंत्री के तहत उन्होंने बहुत सारी योजनाएं विकास निधि जिले के लिए लाई है जिससे हर कोई परिचित है और आज उन्हें महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक नई जिम्मेदारी के तहत उन्हें गढ़चिरौली जिले का पालक मंत्री बनाया गया है और नई जिम्मेदारी मिलने पर उनका हर तरफ से अभिनंदन किया जा रहा है। वही संदर्भ में गढ़चिरौली जिले के पालक मंत्री ने क्या कहा, आप स्वयं सुनिए उन्हीं की जुबानी। आज माननीय मुख्यमंत्र्यांनी गढ़चिरौलीच्या पालक मंत्री पदाची जबाबदारी दिली, निश्चितपणे मला मनापासून आनंद आहे कारण वयाच्या 28व्या वर्षी जेव्हा मी लोकसभेची निवडणूक घडवण्याचा संकल्प केला तेव्हा गढचिरोलीने प्रोत्साहन दिलं आणि गढचिरोलीमध्ये आघाडी देत आज त्या गढचिरोलीच्या जनतेच्या आशीर्वादाने या पदापर्यंत पोहोचताना निश्चितपणे मला मदत झाली आहे। गढचिरोली 712 जिल्ह्यांपैकी आपण अतिमागास जिल्हा म्हणतो, या जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी पालकमंत्री म्हणून माझ्या अधिकाराचा पूर्ण उपयोग करून गढचिरोली जिल्ह्याचे पायाभूत सुविधा असतील, रोजगार असतील, कृषी क्षेत्रामध्ये क्रांती असेल, मी पूर्ण शक्तीने काम करतो।